Hi guys, this is Shilpa Singh Rajput. Hello guys, this is Manish Singh. Hi guys, this is Abhishek Singh. Welcome back to our channel Krishna Views. So guys, कैसे हैं आप लोग? I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे. तो guys, आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे एक वीडियो की जो कि हम आज लेके आए हैं. वीडियो का नाम है तहजीब हफी न्यू मुशायरा. कौन सा है ये? बज्मे रंदान. बज्मे रंदान 2019 पार्ट 1 उर्दू हिंदी तहजीब हफी. और ये काफी ज्यादा फेमस है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. और ये एक शायद पोएट है. हाँ, इसमें पार्ट 1 है तो मतलब इसका पार्ट 2 भी होगा. हो गई. और ये फुल शायरी है. और ऐसे एक वीडियो पे हमने ऑलरेडी पहले कृष्णा के साथ और इसके साथ रिएक्शन किया हुआ है. और ये दूसरा है. आई होप ये भी बहुत अच्छा होगा बिकॉज अभी तक हमने जितना भी उनका पोइट्री सुना है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है. तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे. Here we go. 1, 2, 3, start. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बज़्मे ज़िंदान. अश्क जाया हो रहे थे देख कर रोता न था. ओके. जिस जगह बनता था रोना मैं उधर रोता न था. अश्क जाया हो रहे थे देख कर रोता न था. ये वही है क्या? जिस जगह बनता था रोना मैं उधर रोता न था. सिर्फ तेरी चुप ने मेरे गाल गीले कर दिए. अरे सिर्फ तेरी चुप ने मेरे गाल गीले कर दिए. मैं तो वो हूँ जो किसी की मौत पर रोता न था. क्या बोला है. मेरे अल्फाज जिनकी शान में ना काफी हैं, मेरी मुराद जनाब तहजीब हाफी हैं. दावत कलाम दूंगा जनाब तहजीब हाफी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और कलाम पेश करें. आपकी भरपूर तालियों. सरकार आपकी इजाजत से और आप दोस्तों की इजाजत से. आप दोस्त जितनी मोहब्बत करते हैं और जितनी इज्जत से नवाजते हैं इस बात का अंदाजा तो मुझे पिछली बार आके हो गया था. मैं करूंगा इंशाल्लाह. कुछ शेर पढ़ता हूँ. जी जी मैं मिला उनसे. आगाज हो नहीं पुराने शेरों से उसके बाद काफी यंग लग रहे हैं. तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है. तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है. मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो. तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है. मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो. तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो. तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है. मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो. तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो. बताओ बताओ. ये ज्योग्राफिया फलसफा साइकोलॉजी साइंस रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है मगर उसके घर का पता जानते हो. बहुत आला. बहुत शुक्रिया. और कुछ शेर हैं कि जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो. जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो. लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार. जो तेरे साथ रहते हुए सो गवार हो. लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो. अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो. अब इतनी देर भी ना लगा ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो. मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं. मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं. तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो. मैं फूल हूँ तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं. तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो. एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर हाफी तुम आदमी तो बहुत शानदार. हाफी तुम आदमी तो बहुत शानदार. बहुत शुक्रिया. और कुछ शेर है कि उसे भी साथ रखता
और तुझे भी अपना दीवाना बना लेता, उसे भी साथ रखता और तुझे भी अपना दीवाना बना लेता, अगर मैं चाहता तो दिल में कोई चोर दरवाजा बना लेता, उसे भी साथ रखता और तुझे भी अपना दीवाना बना लेता, अगर मैं चाहता तो दिल में कोई चोर दरवाजा बना लेता, मैं अपने ख्वाब पूरे करके खुश हूँ पर ये पछतावा नहीं जाता कि मुस्तकबिल बनाने से तो अच्छा था तुझे अपना बना लेता, मैं अपने ख्वाब पूरे करके खुश हूँ पर ये पछतावा नहीं जाता कि मुस्तकबिल बनाने से तो अच्छा था तुझे अपना बना लेता, अकेला आदमी हूँ और अचानक आए हो जो कुछ था हाजिर है, अगर तुम आने से पहले बता देते तो कुछ अच्छा बना लेता। और कुछ शेर हैं कि किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है, कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है, अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है, अजीब दुख है, अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं, अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बढ़ रही है, मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है, पुराने सुना रहे हैं, मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है, मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है, मुझे ऐसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है, मुझे ऐसे पेड़ों के सूखने और सब्ज होने से क्या किसी को, ये बेल शायद किसी मुसीबत में है जो मुझसे लिपट रही है, सो इस ताल्लुक में जो गलत फहमियां थी अब दूर हो रही हैं, रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही है, धुंध छट रही है। और एक और गजल के, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे, वर्ड्स का बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं, अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुजदिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिले, बहुत आला, तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे, हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे, न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन मिलेंगे, न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे, तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे, और ये मतलब कितनी कामनेस के साथ बोल रहे हैं। मैं कुछ एक गजल सुनाता हूँ कि मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता,
تیرے حصے میں آئے برے دن کوئی دوسرا کاٹ رہا ہے، لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں، میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹ رہا ہے، لاریوں سے زیادہ بہاؤ تھا تیرے ہر ایک لفظ میں، میں اشارہ نہیں کاٹ سکتا تیری بات کیا کاٹتا، میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح، میں نے بھی زندگی اور شب ہجر کاٹی ہے سب کی طرح، ویسے بہتر تو یہ تھا کہ میں کم سے کم کچھ نیا کاٹتا، تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک تیرے ہوتے ہوئے موم بتی بجھائی کسی اور نے، کیا خوشی رہ گئی تھی جنم دن کی میں کیک کیا کاٹتا، کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو، کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو، جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر، کوئی بھی تو نہیں جو میرے بھوکے رہنے پہ ناراض ہو، جیل میں تیری تصویر ہوتی تو ہنس کر سزا کاٹتا، آخر پہ جو شعر دوست کہتے ہیں انڈیا کے مشاعرے میں جو آپ نے پڑھی تھی، انڈیا میں بھی آج ہاں یاد آیا مجھے، میں وہ سنا دیتا ہوں، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے میرا بھی بیٹھا ہوا ہے، اب مجھے پتا آپ سب کو یہ غزل آتی ہے تو آپ آئیے گا میرے ساتھ اگلا مصرع، تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں بیٹھ گیا، اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ، اتنا میٹھا تھا وہ لہجہ مت پوچھ، اس نے جس جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا، اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا، اور تین شعر آخر پہ جو آپ دوستوں نے کہا کہ مجھ کو دروازے پہ ہی روک لیا جاتا ہے، میرے آنے سے بھلا آپ کا کیا جاتا ہے، مجھ کو دروازے پہ ہی روک لیا، میرے آنے سے بھلا آپ کا کیا جاتا ہے، اور تو اگر جانے لگا ہے تو پلٹ کر مت دیکھ، موت لکھ کر تو قلم توڑ دیا، تو اگر جانے لگا ہے تو پلٹ کر مت دیکھ، موت لکھ توڑ دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، تجھ کو بتلاتا مگر شرم بہت آتی ہے، تیری تصویر سے جو کام لیا، تھینکس فار واچنگ، اف یو لائک دس ویڈیو پلیز لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، تو گائز یہ ویڈیو کافی اچھی تھی اور میں جتنے بار بھی ان کو سنتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بہت ڈیپ تھنکنگ ہے ان کی ہر پوئٹری میں، میں ایسا بولتی ہوں، پوئٹری ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ جب تک چاہے تب تک سن سکتے ہیں، کیونکہ اتنا ہی اسے سننے میں مزہ آتا ہے، اور ان کی رائمنگس پوئٹری، اگر وہ ایک پوئٹری اچھی تبھی ہوگی جب اس میں ورڈ پلے اچھا ہوگا اور اس کی رائمنگس اچھی ہوگی اور اس کا میننگ اچھا ہوگا، اور یہ تینوں خوبیاں ان کی پوئٹری میں ہیں بھر بھر کے، تم دونوں نے ایک بار سنا ہے اور میں تو بہت بار سن، میں تو ایک پوئٹری ریلیٹ بھی کر لیا، گلا بیٹھا ہے، تو کافی مزہ آیا مجھے دیکھنے میں، کافی زیادہ لوگ، اور تو پہلے پہلے تو کچھ بولنا چاہتا ہے تو بول دے ورنہ پھر تیرے کو موقع نہیں ملتا، جو اچھا وہ سوچ رہا میں بھائی کا بھائی،
मैं बोला था कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि ये ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे दिल को छू लेती हैं, और हम उसे सारी ऐसी लाइन है ना जिससे कोई ना कोई रिलेट कर ही पाता है, एक ना एक लाइन से कोई ना कोई रिलेट कर ही पाता है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, मतलब कि कोई बंदा जो सबकी लाइफ से रिलेट करके पोइट्री कर रहा है। कुछ होते हैं कि मतलब जो फेमस फेमस लोग होते हैं उनसे रिलेट करते हैं, या फिर कोई दर्द वाला होता है, कोई फन वाला होता है। इन्होंने अभी तक कुछ 12 मिनट की वीडियो थी, उसमें उन्होंने हर तरह की सभी फीलिंग्स बोली, सभी सैड, हंसी वाली, लविंग, हर्ट, सारी फीलिंग को उन्होंने इंक्लूड किया और फिर उन्होंने शायरी बनाई उसके ऊपर। और अली जियान जी को इतना पसंद आया इनकी शायरी, उन्होंने फौरन किस किया और काफी सारे लोग डिमांड करते हैं कि आप लोग अली जियान की वीडियोस पे नहीं रिएक्ट करते, आप उन पे भी करिए। हम जरूर करेंगे, उसके लिए आपको एक टारगेट पूरा करना है, आपको इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना है, जितना आप लाइक कर सकते हो लाइक ठोक दो, बस हिट द लाइक बटन। और फिर अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और क्या आप चाहते हैं, क्या डिमांड है आपकी, फिर मिलेंगे आपको ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस। नमस्कार।